हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमारान, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीकानेर। आज मैं आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेके आया हूँ, स्क्रू थ्रेडेड एंड फास्टनर्स। जो स्क्रू थ्रेड्स एंड फास्टनर्स का टॉपिक है, इसके मैंने पहले ही 3 वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं। ये चौथा वीडियो है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि हेक्सागोनल बोल्ट और जो स्क्वायर बोल्ट होते हैं उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि मैंने क्या आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें अपन पहले ये पढ़ चुके हैं सारा, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे उसको डिजाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, कितने टाइप की थ्रेड प्रोफाइल्स होती है वो अपन पहले से पढ़ चुके हैं वीडियो में, ये थ्रेड को डिजाइन कैसे करते हैं, उसका किस तरीके से रिप्रेजेंट उसको किया जाता है, और फिर अपन ने पढ़ा था लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थ्रेड्स क्या होती है, और वी और स्क्वायर थ्रेड्स के सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशंस क्या है, और बोल्टेड जॉइंट क्या होता है। आज अपन इनको पढ़ेंगे कि मेथड क्या है ड्रॉ करने के, हेक्सागोनल बोल्ट जो है उसको ड्रॉ करने का मेथड क्या है, और वो मेथड अपने सीट में बनाते समय काम में लिया जाता है, इसी मेथड को यूज करते हुए अपन सीट में अपने हेक्सागोनल बोल्ट बनाते हैं। तो यहाँ देखो, ड्रॉइंग हेक्सागोनल बोल्ट हेड और नट टू एग्जैक्ट डायमेंशन इज लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। Moreover, as standard bolt and nuts are used, it is not necessary to draw them accurately. The following approximate method are used to solve the drafting time. यानी drafting time को बचाने के लिए, क्योंकि exact इस सब सारे dimension ये जो जैसे ही है, exact ऐसे बनाने में time बहुत consume होता है और laborious work है ये, इसे बचने के लिए अपन जो approximate method है उसको use करते हैं ताकि अपन उसको आसानी से draw कर सकें और कम time में draw कर सकें। इसके लिए क्या चीज़ें अपने को दी हुई होती है, सबसे पहली चीज जैसे फर्स्ट मेथड जो है, दो मेथड है इसके, ये फर्स्ट मेथड है, इसमें एक तो इंपेरिकल रिलेशंस होते हैं आपस में, इनकी रेडियस में, इनकी थिकनेस में, डायमीटर के साथ में इनका आपस में रिलेशंस होता है, जैसे मेजर और नॉमिनल डायमीटर। ये अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मेजर और नॉमिनल डायमीटर क्या होता है। मेजर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर होता है इसका मैक्सिमम डायमीटर जो अपने थ्रेड के क्रेस्ट से, अगर एक्सटर्नल थ्रेड है तो उसके क्रेस्ट से, और अगर इंटरनल थ्रेड है जैसे कि ये नट होता है, नट का जो इंटरनल थ्रेड होती है उसके रूट का डायमीटर जो है वो कहलाता है मेजर या नॉमिनल डायमीटर। उसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। फिर थिकनेस ऑफ नट, नट की जो थिकनेस रखनी है ये कैपिटल टी। फिर अपने विड्थ ऑफ नट अक्रॉस फ्लेट सरफेस, जो इसकी विड्थ ऑफ नट है ये वाली, ये विड्थ ऑफ नट कहलाती है, ये अपने रखनी है 1.5d+3mm, यानी जो इसका डायमीटर होगा उसकी 1.5 times + 3 mm अपने को रखनी। इसी तरीके से रेडियस ऑफ चैम्फर, जो रेडियस रखनी है इस चैम्फर की, ये रेडियस कितनी रखनी है 1.5 × d। तो इनको जब अपन ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ से इसका एक क्रॉस सेक्शन ये बना रखा है, ये क्रॉस सेक्शन, ये डायमीटर d और ये उसकी पूरा जो है ऊपर से ये वाला वृत्त बनेगा, ये यहाँ पे दिखाया गया। अपने क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे डायमीटर d दिया हुआ होता है, उस डी डायमीटर का यहाँ से जो ये सर्किल है वो सर्किल ड्रॉ करेंगे, और इस फिर सर्किल को 4 भागों में बांट लेंगे और उसको स्पर्श करते हुए, इस तरीके से स्पर्श करते हुए, और इसके स्पर्श रेखा खींच लेंगे, और फिर इनसे यहाँ प्रोजेक्शन डाल के ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन डाल के, और ये जो है अपने ये पोर्शन बनाए जाते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन पहले दो छोटा वाला, फिर इनके और इनके बीच वाला ये पोर्शन, फिर ये यहाँ से यहाँ के बीच में पूरा ये बड़ा वाला पोर्शन, फिर इन दो के बीच में ये छोटा पोर्शन, और फिर ये तीसरे के बीच में ये, इस तरीके से ये अपना सारा ड्रॉ होता है। इसका मैं एक हाथ से कोशिश करूंगा कि वीडियो ड्रॉ करते समय, क्योंकि ये जो बना हुआ है उससे आपको इतना हो सकता है अच्छे से समझ में नहीं आए, लेकिन जब अपन ड्रॉ करते हैं हाथ से जो ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने कहा था एक BSW जो थ्रेड्स होती है स्क्रू थ्रेड्स, उस BSW थ्रेड्स के बारे में मैं आपको हाथ से ड्रॉ करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये ड्रॉ किया जाता है। उसके लिए मैंने कुछ वीडियो भी शेयर किए हैं, आप लोगों ने वो वीडियो भी देखे होंगे, नहीं तो मैं मेरा एक वीडियो बना के आपको हाथ से वो बना के मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि जब चीज बनती है साथ में बनती हुई दिखती है तो ज्यादा समझ में आता है। पहले से बनी बनाई अगर एक्सप्लेन करें तो ठीक है, एक्सप्लेन करने में आपके समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है, पूरा समझ में फिर भी हो सकता है नहीं आए, तो उसके लिए मैं हाथ से रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए एक और बनाऊंगा। अब इसका प्रोसीजर जो है वो सारा यहाँ लिखा हुआ कि क्या प्रोसीजर होता है इसका, इस बोल्ट को ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर होता है कि ड्रॉ द व्यू फ्रॉम अबो द ड्रॉइंग ए सर्किल ऑफ डायमीटर, यानी पहले क्या करना है, एक सर्किल जो है डायमीटर का, उसी डी डायमीटर का एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है और उसी से अपने को व्यू ड्रॉ करना है। डब्ल्यू एंड डिस्क्राइब ए रेगुलर हेक्सागन ऑन इट,
बाई कीपिंग एनी टू पैरेलल साइड्स ऑफ द हेक्सागोनल हॉरिजॉन्टल, यानी जो ये है कोई भी दो हॉरिजॉन्टल साइड, ये दो हॉरिजॉन्टल रख ली और ये पूरे इसका हेक्सागोनल बना दिया, और ये बीच में डी जो है एक सर्किल है जो कि उसके विड्थ के बराबर है, यानी ये जो सर्किल दिख रहा है एक तरह से ये जो बड़ा सर्किल है ये अपने क्या है इस विड्थ के बराबर है, टोटल विड्थ जो विड्थ है वो 1.5D प्लस 3mm, जिससे डी डायमीटर मान लो आपका जो नॉमिनल डायमीटर सपोज दिया हुआ है कि 20mm, तो 20mm का मतलब ये हो जाएगा डेढ़ से गुणा करेंगे तो 30 प्लस 3 33, यानी 33mm डायमीटर का एक सर्किल बनाएंगे और उसके चारों तरफ अपन क्या करेंगे एक हेक्सागोनल ड्रॉ कर देंगे जिसमें से दो साइड हेक्सागोनल की हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ये अपना फर्स्ट स्टेप रहेगा, पहला काम। फिर है प्रोजेक्ट द व्यू फ्रॉम द फ्रंट एंड द व्यू फ्रॉम साइड एंड मार्क द हाइट इक्वल टू डी। ये जो है ये इसका फ्रंट से इस तरीके से इसका ऊपर ले जाएंगे और एक ये वाला जो है इसका जो ये वाला व्यू फ्रंट व्यू ये रहा यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू का मतलब ये इसकी चौड़ाई यहाँ से ये प्रोजेक्शन, फिर ये फुल, फिर ये इसका प्रोजेक्शन, ये बन गया तो इससे ये हाइट आ जाती है डी, इसकी डी आ जाएगी और बाकी प्रोजेक्शन है वो सारा इससे ड्रॉ हो जाएगा। फिर विद रेडियस आर ड्रॉ द चैम्फर आर्क 213 पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 इन द फ्रंट फेस, यानी अब इसको चैम्फर करना है तो रेडियस आर का, और आर रेडियस कितनी रखनी है 1.5D, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि डी अगर 20 है तो 1.5D का मतलब 30D, और 30D का फिर अपन रख के आर्क, और फिर क्या करेंगे ये वाला यहाँ सेंटर पे रख के और इससे क्या करेंगे ये चैम्फर ड्रॉ कर देंगे। आर कितना लेना है अपने को 33 का आर लेके और इसको यहाँ से 1 से 33 यहाँ नीचे जाएंगे और फिर उसका ये चैम्फर कर देंगे, आर्क खींच देंगे। ये पहले डी लेंथ खींच दी अपन ने, डी कितनी है जो इसकी ये वाले जो डेप्थ है उस डेप्थ के बराबर अपन ने डी ये खींच दी। उसके बाद इसको चैम्फर करने के लिए आर रेडियस का यहाँ से आर्क कट कर दिया, ये 213 ये यहाँ पे लिखा हुआ है 213। फिर है मार्क पॉइंट 4 एंड 5 लेइंग इन लाइन विद 2 एंड 3, यानी 4 और 5 पॉइंट अपने को मार्क करना है, 4 नंबर और 5 नंबर इसी लाइन में, 2-3 वाली लाइन में 4 नंबर 5 नंबर, ये 4 नंबर और सबसे लास्ट वाला 5 नंबर, ये जो लाइन ऊपर आई थी प्रोजेक्शन इसको जो कट कर रहा है वो 5 नंबर और इसको कट कर रहा है वो 4 नंबर। अब वही वापस इसको रेडियस लेके इसको चैम्फर करना है, इसको रेडियस लेके 2 से 4 चैम्फर करना है और 3 से 5 चैम्फर करना है। तो ये अपन ने पहले एक लाइन खींच दी 4 से 5 में 2 और 3 वाली लाइन में। फिर लोकेट पॉइंट 8 एंड 9 ऑन द टॉप सरफेस, यानी 8 और 9 कहाँ लोकेट करना है टॉप सरफेस पे, ये 8 ये वाला जो पॉइंट जा रहा है ना ये पॉइंट यहाँ पे 8, और इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट जा रहा है सर्किल का वो 9, ये दोनों इसके टॉप सरफेस पे अपन ने मार्क कर दिया बाय प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द व्यू फ्रॉम अबो। ड्रॉ द चैम्फर 4, 8 और 5, 9, ये जो 4, 8 ये वाला जो था 4, 8 इसको चैम्फर कर दिया और 5, 9 को चैम्फर कर दिया। फिर है लोकेट 0.6 एंड 7 लाइंग एट द मिडल ऑफ द आउटर टू फेसेस, यानी 6 और 7 पॉइंट जो ये आउटर टू फेस है इनके मिडल पे टॉप पर, यहाँ 6 और 7 ये जो आउटर 3 और 5 के बीच के एकदम मिडल पे बीचों बीच पे यहाँ पे अपने को क्या कर दिया अपन ने 6 और 7 पॉइंट ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ सर्किल आर्क्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 462, ये 4, ये 6 और 2 ये पूरा सर्किल अपने को कंप्लीट करना है, इसी तरीके से 3, 7 और 5 ये कंप्लीट करना है। तो ये 462 एंड 375 आफ्टर डिटरमाइनिंग द रेडियस R1 ज्योमेट्रिकली। अब प्रोजेक्ट द व्यू फ्रॉम द साइड एंड लोकेट 10, 11 एंड 12, अब साइड व्यू से अपने को प्रोजेक्ट करने 10, 11 और 12, ये जो 10, 11 और 12 ये इससे इनके जो है इनके अपन से अगर डबल लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये 10, 11 और 12 पॉइंट मार्क हो जाएंगे। फिर इनको चैम्फर करना है R2 रेडियस लेके इस तरीके से, इसका टॉप पे 13, इसके टॉप पे 14 और इसको सेंटर लेते हुए ये रेडियस का 3 को ये मिडल में है, 10 से 11 को मिला देंगे, 11 से 12 को मिला देंगे ये चैम्फर करते हुए ये रेडियस का। प्रोजेक्ट द व्यू फ्रॉम लोकेट 10, 11 एंड 12 पॉइंट। फिर मार्क पॉइंट 13, 14 लाइंग एट द मिडल ऑफ द टू फेसेज फ्रॉम द साइड व्यू, ये जो साइड व्यू है इसके फेस का ये जो पॉइंट है 13 और 14 ये अपन ने इसके टॉप पे मार्क कर दिया। फिर ड्रॉ सर्किल आर्क पासिंग थ्रू द पॉइंट 10, 13, 11, एक तो 10, 13 और 11, ये 10, ये 13 और ये 11, फिर 11, 14 और 12,
ये दो अपने को ड्रॉ करने हैं, 11, 14 और 12, आफ्टर डिटरमाइनिंग द रेडियस आर टू ज्योमेट्रिकली। ये इस तरीके से अपने पूरा ड्रॉ हो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट इन द व्यू फ्रॉम फ्रंट द अपर आउटर कॉर्नर अपियर्स चैम्फर्ड, इन द व्यू फ्रॉम साइड ओनली टू फेसेज आर सीन, द कॉर्नर्स अपियर स्क्वायर। ये जो है ये इस तरीके से, ये तो सामने से है, अगर फ्रंट इधर से देखेंगे तो ये दो ही सिर्फ चैम्फर दिखेंगे, बाकी पूरा स्क्वायर टाइप में कॉर्नर दिखता है, जबकि सामने से देखने पे ये अपने को चैम्फर दिखते हैं तीनों पोर्शन ये वाले, और एक ये स्ट्रेट लाइन सर्किल वाली आती है पीछे जो अंदर। तो ये इस तरीके से, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और ये इसका टॉप व्यू है, और इनसे अपन ने ड्रॉ किए हैं ये सारी चीजें, इनसे सारी चीजें अपन ने ड्रॉ किए। तो इस तरीके से अपना ये सारा कंप्लीट होता है। आगे इसका दूसरा मेथड भी है कि दूसरे मेथड से अपन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि दूसरे मेथड से अपन किस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझिए, ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिंपल चीज़ लिखी हुई, एकदम मार्क कर दिया ये पॉइंट जो इसमें हो, जो इसमें, इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। इस वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास ये है, और भी मैं इस तरीके से बनाऊंगा, और एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें हाथ से अपन मैं ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अपने ये करते हैं। तो पहले आपका ये बेसिक देखा हुआ होगा, थोड़ा ड्रॉ किया हुआ देखा हुआ होगा, फिर जब हाथ से ड्रॉ करा हुआ देखोगे तो ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।